1 2 3 4 5 6 7 8। गाड़ी का सेल किधर है? यहाँ पे कहीं रखा होगा मैंने। तो गैस मिठाई हम लेके आ गए, तो ये कब मिठाई किस काम के लिए ले गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गैस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15, तो हमारी जो लाइट है वो बंद है। तो अभी इसी तरह बैठे हैं, मनीप भी यहीं पे बैठा है, अबू जी यहाँ पे देख रहे हैं जो कल सामान आया था वो खोल के कि क्या क्या भेजा है, और मैं भी देखता हूँ साथ क्या क्या भेजा है और किस क्वालिटी का भेजा है। तो ये तो मैंने चेक कर लिए थे कल ही, तो ये वही क्वालिटी है जो हमने की थी। अभी ये चेक करते हैं। तो अबू जी अभी खोल रहे हैं, खुल गया। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या है? एक ये कहते हैं इसे ग्लास कहते हैं, ग्लास इसे कहते हैं, फैन बॉक्स, और ये होते हैं बेंड पाइप। तो यही सब कुछ है इसके अंदर। तो अभी मैं तसल्ली से बैठ के चेक कर लूँ क्या क्या भेजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ जे हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस छत्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस तकरीबन 35 गया। 34 तक गिन लेना, 34 मैं गिन ले, एक तक होगा थोड़ा पूरे करा उस हिसाब से। पूरी लग रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 गिने दे। 9 9 गिने हुए 9 4 36। हाँ जी। हाँ चार चार ही है। हाँ जी चार इधर चार चार कर लो। हाँ जी हाँ जी छत्ती छत्ती हो गए। टेपा जीडिया वा तीन छे सत्त अठ 35 होंगे आगे तकरीबन 1 2 3 4 5 6। तुम तो 35 लिखे थे कि 36 लिखे थे? हाँ जी वही ना, उन्हें एक बात भेजता वा। बाकी ये सारे पड़े हुए बैंड पाइप, तो ये तो नहीं गिन सकते, तो ये बस इसी तरह पड़े हैं। बस क्वालिटी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी वही है जो हमें दिखाई थी कि नहीं ठीक ही है। बाकी सारा सामान हमने चेक कर लिया, तकरीबन ठीक है। तो ये ग्लासें हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना डाउट आ रहा है कि इनका कलर जो था ना वो प्योर वाइट था, तो ये थोड़े से ना येलो सा शेड दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज तो अच्छे लग रहे हैं ये भी। खैर अभी वो कॉल करके उसे पता करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो वैसे तो ये भी ठीक है। अभी मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, तो अभी खा लेते हैं खाना। तो आज पका है जी हमारे गरम है। यहाँ क्या पका हुआ है? शलजम है, क्या आलू है, शलजम और साथ मटन। तो ये तो वैसे मैं खाता नहीं हूँ, तो ये तो मैं खाऊंगा ही नहीं। और एक पका हुआ है यहाँ हमारे घर गोभी, तो मैं खाऊंगा गोभी। अभी खा लेते हैं। अभी चली गई हमारी लाइट, तो जनरेटर ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा बंद हो गया, अभी क्या हुआ इसे? दोबारा बंद हो गया, तो कोई इशू लग रहा है, तो अभी नहीं करते हैं स्टार्ट इसे। कोई इशू लग रहा है कि गैस कम है, जिस वजह से ना नहीं चल रहा अभी। गैस नहीं आ रही, मेरा ख्याल जो बंद हो जाता बार बार। गाड़ी का सेल किधर है? यहाँ पे कहीं रखा होगा मैंने, तो ये पड़ा, ये मिल गया। तो अभी इस मोड का ना सेल चेंज करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो वाला सेल जो ना वो ख़त्म हो गया था, तो अभी इसका सेल चेंज कर देते। सेल चेंज हो गया, अभी चेक कर देते हैं चलता भी है कि नहीं चलता। चल जा, नहीं चलता अभी तो। चला था, हाँ चला गया, चलता है भाई। कहाँ से कितनी दूर से चलता है? रेंज कम हो गई मेरे ख्याल से। चल रहा है। तो गए थे, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:15 हो गए, 6:15। तो तकरीबन 6:45 जो हैं वो अजाने स्टार्ट हो जाती हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे बाइक को लेके नहीं गया था कहीं पे, तो अभी चलते हैं, फिर इसकी राइड कर कहते हैं। थोड़ी सी बैटरी भी चार्ज होगी, तो अभी देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तकरीबन 5 दिन हो गए ऐसी करिए, तो फ्यूल भी चेक कर लेते हैं इसमें। पेट्रोल भी मेरा ख्याल नहीं है इसमें, तो देखते कितना, थोड़ा सा चक्कर लग जाएगा। अभी स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होगी स्टार्ट होगी होगी होगी। अभी मुझे लग रहा है इसके टायरों में हवा कम होगी, तो काफ़ी दिन हो गए वैसे हवा मैंने चेक भी नहीं करवाई इनकी, तो फिर कभी कभार यहाँ पे सड़क का क्या हाल हो गया यार। पहले मैंने सोचा था कल मौसम अच्छा था, मैंने कहा कल निकालते हैं, लेकिन कल जो बारिश की वजह से सड़कों का हाल हुआ था तो मैंने फिर निकाली नहीं। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. अभी ये न्यू एंगल भी मैंने साथ ही मुतारो करवाया, तो उम्मीद है कि अच्छा एंगल आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो अभी मैंने मोबाइल जो है वैसे हाथ में पकड़ा हुआ, तो एक हाथ से स्टेरिंग पकड़ा हुआ है, स्टेरिंग कह रही है हैंडल बार, और दो तीन उंगलियों से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और जिस रोड में जा रहा हूँ वो सेफ रोड है, तो इस वजह से यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वैसे ना अच्छा व्यू आ रहा है मेरे ख्याल से, तो मोबाइल काफ़ी ज़्यादा जर्क कर रहा होगा, तो कोई नहीं खैर है, तो बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि तजर्बे हैं ना छोटे छोटे, ये करने चाहिए ताकि इतने तजर्बा से बंदा सीखता है। अगर तजर्बा अच्छा हो गया तो फिर तो बंदा बार बार करेगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर बंदा फिर सबक सीख लेगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करेगा। तो मोटो ब्लॉगिंग मैं थोड़ा सा काम ही करता हूँ, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आना भी इतना अच्छा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि जो ऑडियो क्वालिटी के ऊपर सारा काम होता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी ना मुझे पसंद नहीं आ रही जैसा मैं चाह रहा हूँ ना, वैसी ऑडियो क्वालिटी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से ना अभी फ़िलहाल मोटो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा काम है। तो मोटो ब्लॉगिंग पे आएंगे इंशाल्लाह ताला जब कभी बजट हुआ, तो अच्छे कैमराज के साथ अच्छे माइक सेटअप के साथ। अभी चली गई हमारी लाइट, मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था, लाइट चली गई है, तो अभी मैं जाने लगा अबू गोशाले के बाज़ार, और सुबह के लिए मिठाई लेके आनी है, तो मिठाई क्यों लेके आनी है वो इंशाल्लाह आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी जा रहे हैं हम मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेके आते हैं। अभी अबू जी थोड़ा सा बिजी हैं, तो मिठाई लेने के लिए मैं ही जा रहा हूँ, तो ऊपर जनरेटर भी चल गया, तो अभी चलते हैं मिठाई लेके आते हैं बाज़ार। एक आली है, 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 ये लेनी है आ वाली आली नहीं ठीक नॉर्मल कहने थे, गोल गोल हो गए आधा छोटी है ना आ गाली नॉर्मल आ गल आ दो किलो रसगुल्ला कर। गैस मिठाई हम लेके आ गए, तो ये कब मिठाई किस काम के लिए ले गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले ब्लॉग में यानी कि कल पता चलेगा कि ये किस काम के लिए हम मिठाई लेके आए हैं। तो आप वैसे समझ तो गए होंगे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, आइडिया लगाएं, अगर आइडिया लगा ले तो नीचे कमेंट में लिखें तो क्या चल रहा है, किस काम के लिए मिठाई है, किस काम के लिए दो चार दिन से मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ वो क्या हो रहा है, तो नीचे कमेंट में बताएं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:50 हो रहे हैं, तो आज मैं जल्दी से ब्लॉग जो एडिट करके तो इसे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है और जल्दी जो काम है वो करना है इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें जो सामान थे जो किस काम के लिए हम खरीद लेते हैं, क्या ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जहाँ जो मैं आपको नहीं बता रहा, तो इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह ताला आपको सब पता चल जाएगा क्या बन रहा है, क्या किस चीज़ लेकर है, सारा सामान जो है हम लेके आ रहे थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि छोटा सा ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।